एमबीपी कॉलेज हल्द्वानी के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के अध्यक्ष प्रत्याशी रहे गोविंद सिंह दानू के नेतृत्व में तमाम एनएसयूआई एवं यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को प्रेषित ज्ञापन की प्रति तहसीलदार को सौंपी। इस दौरान छात्र नेताओं ने अपने अन्य समर्थकों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने के मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। बता दें कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं पर बीती 8 सितंबर को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। इसी के चलते यहां आज यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष के नीरज मेहरा और उनके साथियों द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यूथ कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों को राजनीतिक दबाव में झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा है। ये कार्य जानबूझकर व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने के लिए किया गया। उन्होंने मांग की है कि उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कर तत्काल झूठे मुकदमे हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में जल्द ही निष्पक्ष जांच एवं उचित कार्रवाई अमल नहीं की गई तो एनएसयूआई छात्र संघ व यूथ कांग्रेस आंदोलन को बाध्य होगा और इसकी जिम्मेदारी पुलिस व जिला प्रशासन की होगी। हमारी जो मांगे हैं, हमारे एनएसएस में एनएसएस से कैंडिडेट था एमबीपीजी कॉलेज से अध्यक्ष का, तो हमारे जो समर्थक हैं उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नीरज मेहरा के द्वारा, जो निर्दलीय प्रत्याशी का कर रहे थे। हमारे कैंडिडेट, हमारे जो समर्थक थे उनके ऊपर पहले उनके द्वारा हवाई फायरिंग की गई, उसके बाद पथराव किया गया और उसके बाद झूठे मुकदमे शासन प्रशासन द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा लगाए गए हैं और राजनीतिक दबाव के द्वारा हमारे समर्थकों को 2-3 दिन से जेल में बंद किया और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द झूठे मुकदमे वापस लिए जाए और इसकी एक निष्पक्ष जांच की जाए। अगर जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस एक उग्र आंदोलन करेगी। कौन कौन लोग हैं आप ये जो यहाँ जेल गए हैं, इसमें जेल भेजा गया? इसमें विधानसभा अध्यक्ष समय यूथ कांग्रेस कमल दानू, पुष्कर दानू, सचिन कटाहत और भी 3-4 हमारे समर्थक हमारे साथी हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग सिर्फ यही मांग करते हैं कि इसके एक निष्पक्ष जांच हो, जो झूठे केस लगाएंगे, झूठी धाराएं लगाई गई हैं, इस पे प्रशासन एक निष्पक्ष जांच कमेटी बैठा के एक निष्पक्ष जांच करे और झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। क्या मांगे आप लोग? हमारे जो 7 युवाओं को ने फर्जी मुकदमे लगा के उनको जेलों में बंद कर दिया है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए लामबंद हुए हैं, क्योंकि जो घटनास्थल था वो ग्वाला गेट था और वहाँ जो जिन्होंने दूसरे पक्ष ने जो तहरीर दी है नीरज ने, उन्होंने उनको फोन करके लोगों को बुलाया था, खुद उन्होंने उनको धमकी देकर लोगों वहाँ बुलाया, उसके बाद उनकी गाड़ी फोड़ी, उनको मारा और पुलिस वालों ने उन्हें फर्जी मुकदमे आयात कर दिया कि उनके घर में घुसे, जबकि ग्वाला गेट में उनके द्वारा दूसरे पक्ष द्वारा को खुद बुलाया गया था और उनके ऊपर खुद वहाँ बुला के उनको फर्जी मुकदमे दिए और सत्ता पक्ष के जवाब में उन्होंने हमारे लड़के पे, हमारे लड़कों पे अपने घर में उसके हमला करना दिखाया है, जबकि ग्वाला गेट में उनका घर नहीं, वहाँ से हमसे आधा किलोमीटर दूर घर है। असल में क्या था मामला, ये वजह क्या उत्पन्न हुई? जो ये छात्र संघ के उसमें उनसे रजनी, क्योंकि वो कर रहे दूसरी पार्टी का एनएसयूआई कर रहे थे हम लोग, वो कर रहे थे दूसरे निर्दलीय का, तो वो उसी बात में रंजिश रखे कि तुम उनका हमारा कैंडिडेट का समर्थन करो, उस बात में उन्होंने धमकी दी, हमारे आदमी वहाँ पर बुलाया और जबरदस्ती उनके मुकदमे लगाए उन्होंने। अब क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको हटाया जाए और जो दूसरा पक्ष है उसके ऊपर मुकदमे लगाए जाए।